सब तो वड़ा बयान दिता गया है कि मोटिव ऑफ क्राइम हाल तक डीजीपी पंजाब स्पष्ट नहीं कर सके। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे वलों यह सवाल पूछा गया। साडे पत्रकार अनमोल गुलाटी प्रेस ब्रीफिंग च जदों क्वेश्चनिंग कर रहे सी तां पंजाब दे डीजी कह रहे ने इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 100 दिन पूरे हो चुके ने, पंजाब दी पुलिस हाले तक यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि आखिरकार मोटिव ऑफ क्राइम की सी। तां दूजी वड्डी खबर की है, 23 गिरफ्तारियां, 34 नामजद। अजरबैजान विच कुछ गैंगस्टरां नूं डिटेन करवा दिता गया है। सब तो वड्डी खबर आ रही है पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव दे दसन मुताबक कि अजरबैजान च पंजाब दी पुलिस दी सिफारिश ते पंजाब दी पुलिस दी दरखास्त ते शूटरां नूं डिटेन करवाया गया है। पुछ पड़ताल उन्हां तो हो रही है। हो सकदा है अजरबैजान तो इन्हां नूं पंजाब लिआउण दी तैयारी भी की जाए। पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव टैक्निकल पक्ष ते खुल के तो नहीं बोले। डीजीपी पंजाब ने प्रेस ब्रीफिंग विच कोई टैक्निकल पॉइंट तो रिवील नहीं किया। हो सकता है केस की संजीदगी देखद्या होए इस तरह की जिहड़ी उन्होंने टैक्निकल पॉइंट्स रिवील नहीं किए। पर सब तो वड्डा सवाल यह सी कि सिद्धू का कतल किया गया, कतल क्यों किया गया। तो 100 दिन तकरीबन पूरे हो चुके हैं। सिद्धू मूसेवाल जिसका पिंड जवाहर के कतल होया, सो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने पल पल की अपडेट तुहाडे तक पहुँचाने की कोशिश की। 105 दिन तो ज़्यादा का समा होया है, पर डीजीपी पंजाब कह रहे हैं कि यह तफ्तीश का विषय है। हाले तक सिद्धू मूसेवाले का कतल क्यों किया गया, यह तफ्तीश का विषय है। तकरीबन वड्डी गिणती विच जिहड़े शूटर ने, गैंगस्टर ने, 23 गिरफ्तारियां हुण तक जिहड़ियां होईयां ने, कुल 35 लोगों नामजद इस केस विच किया गया। पंजाब दे डीजीपी मुताबक हाले तक ये जांच का विषय है कि सिद्धू नूं मारिया तो है, पर जांच जारी है कि मारिया क्यों गया है। जिन्ने तक मोटिव ऑफ क्राइम पंजाब दी पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाउंदी, उन्ने तक ये केस इस तरीके नाल उलझदे रहणगे। पर सवाल सब तो वड्डा है कि चैलेंज पंजाब दी पुलिस दे सामने है कि कुछ डीजीपी ने कहा, एक बार मुड़ तो सुनाउने आ। कुलदीप मर्डर केस दे विच हुण 23 गिरफ्तारियां हो गई हैं, टोटल 35 अक्यूज्ड नॉमिनेटेड है, तो 2 अक्यूज जिहड़े वह लाइव एनकाउंटर के न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। एक अक्यूज्ड सचिन बिश्नोई असी आइडेंटिफाई करके सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प के नाल अजरबैजान दे विच उन्हों डिटेन कराया। रजिंदर जोकर सीगा, यह पहले तो नेपाल दे विच स्टेशन सी, सो ही वॉज़ इन टच थ्रू गोल्डी बराड। गोल्डी बराड जिहड़ा कि मास्टर माइंड सीगा मर्डर का, ही वॉज़ ऑलसो मास्टर माइंड ऑफ देयर एस्केप प्लैन। सो मोस्टली मुंडी ते कपिल कट्ठे रहे हैगे, ते दे हैव शिफ्टेड बेस हरियाणा, राजस्थान, यूपी तो होंदे हुए दे रीच्ड वैसट बंगाल। इन्हां दी प्लानिंग सीगी कि नेपाल दे थ्रू इन्हां नूं इह प्रोमिस किया गया सी कि तुहानूं दुबई दे विच फेक पासपोर्ट्स ते सैटल करा देंगे, ते नेपाल तो थ्रू आइदर लैंड रूट यूजिंग भूटान ते उस तो बाद म्यांमार, थाईलैंड जांदा, या जे इन्हों फेक पासपोर्ट डिलीवर हो जाते नेपाल दे विच ते काठमांडू तो फ्लाइट फड़ के बैंकॉक ते फिर दुबई एस्केप का प्लैन सीगा।